बता दें 21,000 रुपए से आप फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। 85 से 95% बैंक लोन अवेलेबल है जी। फ्लैट रहेगा और सोसाइटी में देखिए काफी सारे आपको ऐसे बिल्डिंग्स मिलेंगे। किचन में पूरा मॉडर्न वर्क किया हुआ है, जैसे चिमनी के लिए स्पेस है, एडिशनल अलग से स्पेस दिया हुआ है सभी में, ठीक है। नीचे बर्तन वगैरह रखने के लिए सारा स्पेस आपको मिलेगा, जैसे इसकी फिटिंग्स आपको मिल जाती है, कैबिनेट मिल जाएंगे और ग्रेनाइट लगा हुआ मिलेगा। बाकी इसमें आपको आरओ गीजर, यहाँ पे आरओ के लिए पॉइंट दिया हुआ है, ये सभी चीजें हम आपको लगा के देंगे। बराबर में शाफ्ट है, वेंटिलेशन के लिए दे रखे हैं यहाँ पे। 16,67,000 रुपए की आपको छूट मिलेगी, ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के चल रही है छूट। सो गाइस आज आपको लेके आगे डीएलएफ बंकुर बिहार की सोसाइटी में रेल बिहार में आपको काफी शानदार फ्लैट दिखाएंगे आज। जो फ्लैट रहेगा भैया आपको डिटेल में बताएंगे। कैसे भैया? बढ़िया। अपने एक बार ऑफिस का नाम और एड्रेस बता दे। सर मेरा नाम आशीष कुमार है, डीएलएफ अंकुर बिहार के अंदर एक रेल विहार सोसाइटी है, वहीं पे हमारा ऑफिस है समर डेवलपर्स के नाम से, ठीक है। मिले अपने सपनों के घर से, ठीक है। कौन कौन सा ऑप्शन रहेगा अपने पास फ्लैट? हमारे पास सभी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी रहेगा। बजट क्या रहेगा अपने पास? बजट सर जो 1 BHK का बजट है हमारे पास 9,75,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है, और 12.5-13 लाख रुपए तक है, ठीक है। इसी तरीके से 2 BHK है 15,50,000 से स्टार्टिंग है, 21-22 लाख रुपए तक, ठीक है। और लोन वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है? लोन हमारे यहाँ अवेलेबल है, जैसे 85 से 95% करा देते हैं, ठीक है जी। बाकी आना है जिनको, आके देख सकते हैं फ्लैट, अभी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं जी। 2 BHK आज हम आपको फ्लैट दिखाएंगे बाकी, और जिनको आना है 1 देखना है 3 देखना है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे सब्सिडी मिल जाती है 2,67,000 की, 21,000 रुपए दे के मात्र आप फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। बाकी 10-15% तक आप देके मैं यहाँ पे जो भी रहेगा ना आपका लोन करा देंगे, उसके बाद बाकी के अमाउंट पे आपको जब भी आना है विजिट करने आ सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस क्या रहेगा पूरा? ऑफिस का एड्रेस रेल विहार सोसाइटी के अंदर ही हमारा ऑफिस है, डीएलएफ अंकुर विहार के अंदर, ठीक है, समर डेवलपर्स के नाम से, मेन रोड पर ये 11 बिल्डिंग नंबर 11, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम आपको फ्लैट दिखाते हैं पूरा क्लियर में, उसके बाद आप बात कर सकते हैं जो भी इंक्वायरी करना हो। सो गाइस आपको हम लेके आ गए हैं फ्लैट पे, देख सकते हैं ये वाली बिल्डिंग आज रहेगी और इसमें काफी फैमिली शिफ्ट भी हो चुकी है, देख सकते हैं काफी अच्छा एलिवेशन है। भाई कौन सा फ्लैट आज रहेगा? 2 BHK फ्लैट रहने वाला है सर, ठीक है। 2 BHK फ्लैट रहेगा और सोसाइटी में देखिए काफी सारे आपको ऐसे बिल्डिंग्स मिलेंगे बने हुए और काफी अच्छा एलिवेशन इसमें दे रखे हैं, तो 2-2 के ही इसमें सारे रहने वाले? हाँ जी, 2 BHK फ्लैट है, ठीक है। और इसमें लग रहा है फैमिली भी शिफ्ट हो गई है कुछ में। अच्छा, और यहाँ से अपना पूरा एंट्रेंस रहने वाला है बिल्डिंग का दरवाजा, सामने फोर व्हीलर की पार्किंग है, 40 फीट की रोड है, ठीक है, 40 फीट की रोड आपको, बाकी 2 व्हीलर की पार्किंग अंदर दी हुई है, ठीक है। ये छोटा फ्लोर है, इसमें एक फ्लोर पे दो ही फ्लैट बने हुए हैं। अच्छा, एक फ्लोर पे दो फ्लैट बने हुए हैं, ठीक है। और नीचे इसमें भी देखिए पूरी पत्थर की फिटिंग कर रखे हैं, और यहाँ से रहने वाला है स्टेयर्स अपना, और इस पे सारा स्टील का रेलिंग लगा हुआ है, स्टेयर्स पे भी देखेंगे आप तो। और ऊपर से पत्थर वगैरह अच्छा यूज किया हुआ है सभी जी, ठीक है। तो अपर ग्राउंड पे ये 2 BHK फ्लैट रहने वाला है। सो गाइस फ्लैट का एंट्री देख सकते हैं, यहाँ से रहने वाला एंट्रेंस और ऐसे दरवाजा मिलेगा। तो भाई क्या दरवाजा का साइज दे रखे इसमें? 7-7.5 फीट की हाइट पे है। अच्छा, 7-7.5 फीट की हाइट है और दरवाजा भी काफी अच्छा, स्टील का हैंडल लॉक दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, हैंडल लॉक मिल जाएगा आपको इस टाइप से। और अंदर आते ही आपको फ्लैट का ये स्पेस मिलता है, इसमें एक रूम इसका बैक में है, एक फ्रंट में है जी। तो ये रहेगा ड्राइंग एरिया इसका, ये ड्राइंग एरिया रहेगा सर इसका, ठीक है। क्या स्पेस दे रखे ड्राइंग एरिया का? 10x14 का, 10x14 का स्पेस आपको मिल जाएगा ड्राइंग एरिया में आपको। और ऊपर देखेंगे तो पूरी फैंसी लाइट लगी हुई है, बाकी फैंसी लाइट फैन इसमें सभी चीजें लगी हुई है, इसमें एक LED पैनल भी दिया हुआ है। अच्छा, LED पैनल भी आपको दे रखे हैं, बाकी स्विच कंट्रोल आपको सारा दिया हुआ है यहीं पे, ये टेक्सचर पेंट किया हुआ है सामने रखे हैं, और यहाँ पे स्विचेस दे रखे हैं आपको। ऊपर देखेंगे फैंसी लाइट है, फैन वगैरह की तो कोई अलग से नहीं रहती है, सब। हाँ, ये सभी चीजें हम लगा के देते हैं, जैसे फैन लाइट, आरओ गीजर, चिमनी, ठीक है। और फोर सीलिंग कितनी सुंदर की हुई है इसमें, ठीक है। ओपन किचन है इसमें, ये देखिए यहाँ से किचन रहेगा, पूरा किचन, बाकी किचन में पूरा मॉडुलर वर्क किया हुआ है, जैसे चिमनी के लिए स्पेस है, एडिशनल अलग से स्पेस दिया हुआ है सभी में, ठीक है। नीचे बर्तन वगैरह रखने के लिए सारा स्पेस आपको मिलेगा, जैसे इसकी फिटिंग्स आपको मिल जाती है, कैबिनेट मिल जाएंगे और ग्रेनाइट लगा हुआ मिलेगा। बाकी इसमें आपको आरओ गीजर, यहाँ पे आरओ के लिए पॉइंट दिया हुआ है, ये सभी चीजें हम आपको लगा के देंगे। बराबर में शाफ्ट है, वेंटिलेशन के लिए दे रखे हैं यहाँ पे देखेंगे तो पूरा, और टाइल्स लगा हुआ है इधर देखेंगे तो सामने की साइड आपको, और इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह सारा दे रखे हैं। और इसके बाद दिखाते हैं तो यहाँ रहेगा एक कॉमन वॉशरूम भी मिलेगा, एक कॉमन वॉशरूम रहेगा, कॉमन वॉशरूम भी आपको इस टाइप से बना हुआ है, पूरी टाइल्स की फिटिंग आपको मिल जाती है, बेसिंग मिल जाएंगे और टॉयलेट सीट मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद पहले बेडरूम की तरफ चलते हैं, पहला बेडरूम इधर रहेगा, ये देखिए सर 10x12 का इसका साइज रहने वाला है, वही वाला का साइज रहेगा, पूरी पत्थर की फिटिंग आपको मिल जाएगी, फैंस लगे हुए हैं सामने की तरफ, कितना सुंदर टेक्सचर पेंट किया हुआ है इसमें, देखिए, ठीक है। और फैन ऊपर लगे हुए हैं, फॉल सीलिंग बनाया हुआ है सारा कुछ, और यहाँ भी वेंटिलेशन देखिए साफ दिए, यहाँ पे आप विंडो स्प्लिट AC भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसकी सेकंड बेडरूम आपको दिखाते हैं, स्विचेज वगैरह बाकी सारा कुछ दे रखे हैं, जो भी कमी है वो कंप्लीट आपको करके मिल जाएगी। यहाँ से चलेंगे तो देखिए इधर से आपको सेकंड बेडरूम की तरफ हम चलते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस दे रखे हैं इंट्रेंस के बाद, और इधर आ जाता है सेकंड बेडरूम, ये फ्रंट साइज है, फ्रंट में 10x12 का इसका रूम साइज है, इसमें अलग से हम आपको अलमीरा दे रहे हैं। अच्छा, एक अलमीरा भी दे रहे हैं इसमें, देखिए कितनी सुंदर अलमीरा है अलग से,
ठीक है जी। और ऊपर फॉल सीलिंग इसमें भी बना हुआ है जी, फॉल सीलिंग बना हुआ है इसमें, लगा के दे रहे हैं। और इधर क्या देखा, वॉल पे जी, वॉल पेपर नहीं टेक्सचर पेंट किया हुआ है, टेक्सचर पेंट हो रखा है इसमें जी। ठीक है, और यहाँ से रहेगा अपना बालकनी, उससे पहले ऊपर आपको वॉशरूम अटैच, वॉशरूम अटैच रहेगा ठीक है, इंग्लिश सीट की फिटिंग के साथ ठीक है। दो वॉशरूम है इसमें, एक कॉमन एक अटैच आपको रूम में मिल जाती है, पूरी फिटिंग पत्थर की टाइल्स की जो भी है। और यहाँ रहेगा पूरा विंडो, देखिए विंडो एसी लगा सकते हैं, विंडो एसी लगा सकते हैं, चाहे कूलर लगा सकते हैं ठीक है। और यहाँ से चलेंगे तो बालकनी आ जाता है अपना जी, बालकनी भी काफी अच्छा, देखिए बालकनी का काफी अच्छा स्पेस है ठीक है, वॉशिंग स्पेस यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप, वॉशिंग मशीन लगा के, और सामने बिल्डिंग पूरी बनी हुई है ठीक है। और इधर भी सारा टाइल्स लगा रखे हैं, हाँ जी सारे में टाइल्स लगी हुई है ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें लोन वगैरह की, तो कितने परसेंट तक लोन हो जाएगा? 85 से 95% बैंक लोन अवेलेबल है जी। और यहाँ पे बुकिंग अमाउंट क्या रहने वाला है? बुकिंग अमाउंट सर वही है हमारे हर वीडियो में बताते हैं, 21,000 रुपए से आप फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं ठीक है जी। और इसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना वाला, हाँ इसमें 2,67,000 रुपए की आपको छूट मिलेगी ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के चल रही है छूट 2,67,000 की, एक से 1.5 लाख रुपए देके आप बाकी का फाइनेंस करा सकते हैं ठीक है। जो फ्लैट हम दिखाएंगे इसका क्या बजट रहने वाला है? 17,75,000 रुपए सर, 17,75,000 में मात्र 2 BHK की फ्लैट मिल जाएगी ठीक है, फ्रंट की प्रॉपर्टी है सर ठीक है, फ्रंट की रहेगी, बालकनी के साथ।